नमस्ते फ्रेंड्स, अमेजिंग एबीसी फैशन चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको दिखाती हूँ एक बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी नेकलाइन डिज़ाइन और एक बूटीज, जिसे मैं दिखाती हूँ नॉर्मल। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने नेकलाइन मार्किंग कर दिया है, यू शेप नेकलाइन है। और मैं जो मटेरियल्स ले रही हूँ, पिंक कलर का ड्रॉप शेप कुंदन्स और गोल्ड कलर जरदोजी, कॉटन सिल्क थ्रेड और हेमिंग नीडल नंबर 9 और जरी थ्रेड ARE नीडल है चेन वर्क के लिए। और एक कॉर्ड पाइपिंग है जिसे हम यूज़ करते हैं पाइपिंग एलिवेट करने के लिए, और फैब्रिक ग्लू। तो ये जो मटेरियल्स मैंने दिखाए हैं आपको आसानी से मिल जाएंगे फैंसी या टेलरिंग मटेरियल शॉप में। अब मैं नेकलाइन के बाजू ही ग्लू अप्लाई करते हुए इसके ऊपर कॉर्ड पाइपिंग को चिपका देती हूँ। मैं जरदोजी का जो एंड्स है ना, इसे ऐसे इक्वली पकड़ते हुए हमें कट करने का है 1 सेंटीमीटर लेंथ में। ये आप छोटे या बड़े भी कर सकते हैं। तो ऐसे कट करती हूँ मैं। ये हम पैडेड लोड स्टिच बनाएंगे जिसके लिए हम यूज़ करते हैं जरदोजी। और मैं ले रही हूँ नॉर्मल स्टिचिंग नीडल, 9 नंबर का नीडल है, जिससे जरदोजी जो है आसानी से इंसर्ट हो जाती है ऐसे। और कॉटन सिल्क थ्रेड इसे क्रॉसली ऐसे प्लेस करते हुए हमें स्टिच करने का है, थोड़ा खींचने का है। स्टिच करते वक्त इसे थोड़ा खींचना चाहिए जिससे कि पैडेड जो स्टिच है ना वो अच्छी निकलती है। अब मैं ऐसे ही पूरा नेकलाइन के ऊपर जरदोजी के साथ स्टिच कर देती हूँ। ये बेसिक पैटर्न है जिसे हम नेकलाइन हाईलाइट करते हैं जरदोजी के साथ, इसे कहते हैं पैडेड लोड स्टिच। अब मैं इसके बाजू दोनों साइड्स ARE चेन स्टिच देती हूँ। अगर आपको ARE नीडल से चलाना नहीं आता है तो आप यूज़ करते सकते हैं चेन बॉल लेस या स्टोन लेस को इसे हाईलाइट करने के लिए। यानी इधर जो मैं स्टिच कर रही हूँ ARE चेन स्टिचेस के बदले में आप यूज़ कर सकते हैं स्टोन लेस या चेन बॉल लेस को इसे हाईलाइट करने के लिए। ARE चेन स्टिचेस बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ARE नीडल नंबर 14 है, 0.5 mm का। अब मैं ब्लू के साथ ऐसे 3 लाइंस को अप्लाई करती हूँ और इसके ऊपर ड्रॉप शेप कुंदन है ना इसे चिपका देती हूँ। और इसके बीच में जो गैप है ना 1 इंच रहना चाहिए। अब मैं बूटी को बनाने के लिए मार्किंग दिखाती हूँ। अगर आपको ये ज़्यादा बनाना है तो आप एक ट्रेसिंग पेपर के ऊपर ऐसे डिज़ाइन बना सकते हैं और उसे ट्रेस कर सकते हैं। ये सिंपल है, ऐसे 3 पेटल्स को मार्क करते हुए नीचे 2 पेटल्स और अब इसके ऊपर भी मैं चेन स्टिच देती हूँ। ARE चेन स्टिच है, जैसे कि मैं बोली थी आपको ARE चेन स्टिच नहीं बनाना आता है तो आप यूज़ कर सकते हैं स्टोन लेस या चेन बॉल लेस को इसको हाईलाइट करने के लिए बॉर्डर्स को। तब मैं इस
मार्क किया हूँ डिज़ाइन के ऊपर, ऐसे ही पूरा आरे चेन स्टिच देती हूँ। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा गैप छोड़ते हुए 7 लाइंस को अप्लाई करती हूँ। पहले बीच में से स्टार्ट करते हुए ऐसे बाजू को 3-3 लाइंस बनाती हूँ और इसके ऊपर भी मैं ड्रॉप शेप कुंदन को स्टिक कर देती हूँ। इसे थोड़ी देर छोड़ देती हूँ जिससे कि ये ड्राई हो जाते हैं और हमारा जो वर्क है ना वो आसान बन जाते हैं। और मैंने जरदोजी को कट किया है 1 इंच के हिसाब से। तो अब एक कुंदन को हाईलाइट करेंगे हम जरदोजी वर्क के साथ। नॉर्मल स्टिचिंग नीडल यूज़ करते हुए मैं जरदोजी को इंसर्ट कर देती हूँ और ये बिल्कुल कुंदन के बाजू ही स्टिच कर देती हूँ जैसे कि ये हाईलाइट हो जाती है। और इसके ऊपर 2 या 3 स्टिचेस देने का है जिससे कि ये ऊपर नहीं निकलती और इसका जो फिनिशिंग है ना वो अच्छी निकलती है। इसे होल्ड करते हुए स्टिच कीजिए जिससे कि आपका ये स्टिचिंग जो है जो कि अच्छी बनती है। तो मैं जरदोजी को यूज़ करते हुए ऐसे ही हाईलाइट कर देती हूँ कुंदन्स को। पूरा नेकलाइन के ऊपर और फिर एक बूटी भी बनाए हैं ना इसके ऊपर भी मैं हाईलाइट करती हूँ। और अब इस बूटी के बीच में जो गैप है ना इसे भी भर देती हूँ जिसके लिए यूज़ करती हूँ जरदोजी को। छोटा जरदोजी है ये। तीन या चार लाइन स्टिच कर देती हूँ गैप के हिसाब से और इसका जो फिलिंग है ना वो बन जाती है। मेरी डिज़ाइन ऑलमोस्ट बन चुका है। ये रहा फाइनल लुकआउट। ये बहुत ही प्यारे दिखती हैं ब्राइडल या पार्टी वेयर के लिए या फिर आप डिज़ाइन कर सकते हैं बॉर्डर्स जैसे भी। तो फ्रेंड्स ये है मेरी वीडियो उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी। प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने कम्युनिटीज़ और सर्कल्स में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ। सब्सक्राइब कीजिए अमेजिंग ABC फैशन चैनल को और देखते रहे लेटेस्ट फैशन और ट्रेंडी वीडियोज़ को। साथ में बेल बटन को क्लिक कीजिए जिससे आपको मिल जाएगी मेरे हर नई नोटिफिकेशन जब भी मैं अपलोड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू ऑल। बाय फॉर नाउ।